समय पलटने की कहानियां अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी, पर आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे मेहनत का फल मिला और मंत्री पद भी मिला, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ना तो मंत्री पद रहा और ना और कुछ, और उसके बाद दोबारा राजनीति में आना चाहा तो उसी पार्टी ने हाथ खींच लिया जिसने मंत्री पद दिया था। इसी के साथ किस्सा उस इंसान का भी है जो जिसे मंत्री बनाया गया पर किसी ने मौका आने पर उसका साथ दिया दूसरे का। पर आज आपको बताने वाली हूँ कि क्यों भिड़े थे बाबूलाल नागर और वेद प्रकाश सोलंकी और क्या इन दोनों की है पूरी कहानी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद, मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ। अभी राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, पर इस बार ना तो वजह है सचिन पायलट और ना ही है अशोक गहलोत, बल्कि इस बार तो वजह है गहलोत और पायलट गुट के विधायक, जिन्होंने एक दूसरे पर तीखे बयान देकर राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। राजनीति अनिश्चितता का खेल है, कब कौन सा नेता किसके पाले में चला जाए ये नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक मजबूरियां भी एक दूसरे के संग या खिलाफ ले आती हैं। जयपुर के दो विधायकों की कुछ ऐसी ही कहानी है। दलित वर्ग से आने वाले दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर और चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी किसी समय सीएम अशोक गहलोत का झंडा उठाकर चला करते थे। गत विधानसभा चुनाव से पहले सोलंकी ने पायलट का हाथ थाम लिया था, वहीं नागर आज भी गहलोत के संग है और उन्हें अपना भगवान मानते हैं। आज ये दोनों विधायक एक दूसरे के खिलाफ वार और पलटवार करते रहते हैं। बाबूलाल नागर दूदू से चौथी बार विधायक बने हैं। नागर को सेवा दल का अध्यक्ष रहते 1998 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत ने राजनीति का पहला मौका दिया। नागर इस सीट से चुनाव जीत भी गए। इस दौरान गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस 8 साल बाद राजस्थान में आई थी। कांग्रेस को 156 सीटें मिली और सीएम का सहरा गहलोत के माथे पर बंधा। इसके बाद नागर साल 2003 और 2008 में भी दूदू से चुनाव जीते। गहलोत दोबारा 2008 में सीएम बने और नागर को डेयरी और खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्री बना दिया गया। इसी सरकार के अंतिम साल में आते आते विधायक और मंत्री नागर एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में फंस गए और उनका मंत्री पद चला गया और वो जेल पहुंच गए। साल 2013 में कांग्रेस ने बाबूलाल नागर का विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया। उनके जगह कांग्रेस ने उनके जिला प्रमुख भाई हजारीलाल नागर को टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। इस दौरान नागर जेल में ही थे। नागर को कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका था। इस दौरान लग रहा था कि नागर का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। विधायक बाबूलाल नागर की किस्मत फिर पलटी और वो अदालत से साल 2017 में बरी हो गए और फिर से बाहर आकर राजनीति में सक्रिय भी हो गए। नागर को साल 2018 में कांग्रेस के टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और एक नए चेहरे रितेश बैरवा पर दाव खेला, लेकिन ये दाव फेल हो गया और बाबूलाल नागर ने निर्दलीय चुनाव जीत लिया। वहीं चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पहली बार चाकसू से विधायक बने हैं। वे 2008 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2013 में उन्हें टिकट नहीं मिला। 2018 में उन्हें मौका मिला और वो पहली बार विधायक बने। सोलंकी ने शुरुआत से अपना राजनीतिक आका अशोक गहलोत को ही माना था। शुरुआत में सोलंकी जयपुर शहर NSUI के अध्यक्ष थे। गहलोत ने सोलंकी और नागर का राजनीतिक करियर बढ़ाया, लेकिन सोलंकी गत चुनाव से पहले ही सचिन पायलट के संग चले गए। दोनों विधायकों की राजनीतिक अदावत पुरानी है। इसके पीछे वजह यह है कि दोनों की एक ही जाति दलित वर्ग से आते हैं, उसमें भी ये दोनों एक ही समाज से हैं और दोनों की विधानसभा इलाके भी जुड़े हुए हैं। एक ही जाति वर्ग के होने की वजह से ये दोनों नेता दलित वर्ग के बड़े नेता बनना चाहते हैं। डेयरी लाइसेंस के मामले को लेकर भी दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। विधायक बाबूलाल नागर ने अभी हाल ही में सचिन पायलट को लेकर कहा था कि उनकी वजह से कांग्रेस 99 पर ही अटक गई थी, जबकि टिकटों का सही वितरण होता तो कांग्रेस की 150 सीटें आती। हर गलती की कीमत मांगी जाती है। हारे हुए और जमानत जब्त प्रत्याशियों को टिकट देने का पायलट को दोषी बताते हुए कहा गया कि उन्हें तो कांग्रेस आलाकमान से माफी मांगनी चाहिए थी। इसके बाद सोलंकी ने नागर के लिए कहा था कि नागर खुद ही कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर आए हैं और उनका टिकट क्यों काटा गया था सबको पता है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता, और जो समय के साथ चलता है वो ही आगे बढ़ता है। राजनीति में समय का बड़ा महत्व होता है। यहाँ ज्यादातर चीजें सिर्फ और सिर्फ सही समय और सही मौके को देखकर बदल ली जाती हैं।
फिर चाहे बाबूलाल नागर का निर्दलीय चुनाव लड़ना हो या फिर वेद प्रकाश सोलंकी का सचिन पायलट खेमे में आना हो। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं मिशी मीडिया सॉल्यूशंस @gmail.com।